चलिए रुक करेंगे इस बीच आ रही एक और बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें बड़ी खबर इस बीच आ रही दिल्ली से ही, जहां पर सीएम जयराम ठाकुर का दिल्ली दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण। सीएम हिमाचल के मुख्यमंत्री का ये दौरा, केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं। तो बता दें आपको ये दिल्ली दौरा प्रदेश से जुड़े मुद्दों पर चर्चा जो है संभवतः यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो बता दें आपको सीएम जयराम ठाकुर का दिल्ली दौरा, स्पर्श शर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं इस खबर पर भी। स्पर्श, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का ये दिल्ली दौरा कितना महत्वपूर्ण और क्या कुछ रहेगा खास? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कल देर शाम दिल्ली दौरे पर आए थे। दो दिवसीय हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा रहने वाला है। आज दोपहर बाद जो है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वापस हिमाचल जाते हुए नजर आएंगे। दिल्ली दौरे की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश में हाल ही में जो है बजट जो है पेश किया गया था और उसके बाद अचानक ये दिल्ली दौरा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का बन रहा है, तो ये काफी अहम जो है माना जा रहा है, क्योंकि किस तरीके से केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात हुई, क्योंकि जब जब हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर आते हैं तो कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करते हैं। केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात होगी तो प्रदेश के विकास संबंधित जो कार्य है उनको लेकर जो है कहीं ना कहीं चर्चा की जाएगी। हालांकि औपचारिक शेड्यूल जो है अभी जारी नहीं किया गया कि किन किन केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की दिल्ली दौरे के दौरान रहने वाली है, लेकिन जब जब हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर आते हैं तो केंद्रीय मंत्रियों से उनकी मुलाकात होती हुई नजर आती है। जाहिर तौर पर कितने बजे दिल्ली पहुंचेंगे फिलहाल ऐसी जानकारी स्पर्श? देखिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंच चुके हैं। फिलहाल हिमाचल सदन में जो है उनका स्टे जो है हो रहा है और उसके बाद अगर हम वापस जाने की बात करते हैं तो आज दोपहर बाद हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री लगभग 3 बजे के आसपास जो है वापस हिमाचल जाते हुए नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल आपको बता दें कि दिल्ली दौरे पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात, प्रदेश से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। 3 बजे के करीब वो हिमाचल वापस लौटेंगे। तो फिलहाल ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं।